दिग्विजय सिंह क्या है, 24 घंटे हिंदुत्व पर देश पर आक्रमण करने वाले लोग हैं, मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए राहुल गांधी जो इस प्रकार की भाषा बोलते और बात करते हैं, प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे, तो ये हालात कांग्रेस के बदतर है। मध्य प्रदेश में बाकी दो चरण में होने वाली वोटिंग अंतिम दौर में है, लेकिन इस वोटिंग को लेकर बीजेपी के नेता धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजगढ़ सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सर, राजगढ़ सीट पर आप हैं, यहाँ तो दिग्विजय सिंह है चुनाव मैदान में, छिंदवाड़ा के बाद कहा जा रहा था कि राजगढ़ ही थोड़ी सी टफ हो सकती है बीजेपी के लिए। छिंदवाड़ा हम चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीते हैं, परिणाम आएंगे तो सामने आ जाएगा। और राजगढ़ तो जो नेता जिसे 2003 में इस प्रदेश की जनता नकार चुकी है, राजगढ़ की जनता जिसे नकार चुकी है, जो बंटाधार की पदवी से सम्मानित हो, ऐसे लोग चुनावी मैदान में अगर उतरे जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो ये कहां से आता है कि ये इनके कारण से चुनाव थोड़ा कठिन हो सकता है। राजगढ़ के अंदर वहाँ की जनता, वहाँ के जनता का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर, राजगढ़ के अंदर तो और गहरा है। और राजगढ़ के अंदर तो ऐसे विचार के लोग हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। और दिग्विजय सिंह क्या है, 24 घंटे हिंदुत्व पर देश पर आक्रमण करने वाले लोग हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त हो रही है। इस कारण से वो उल जलूल बातें करके ईवीएम पर जा रहे थे, बाकी चीजें कर रहे थे, लेकिन राजगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत से इस बार और जीते। सर, दिग्विजय सिंह तो खुद को पक्का सनातनी बता रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, बताने की तुम्हें आवश्यकता क्यों लगी दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि आपने हमेशा सनातन का विरोध किया है। आप ही वो शख्स हो जो आतंकवादी के गले मिलने गए थे, आप ही वो शख्स ऑन रिकॉर्ड है, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है, आपने सेना का अपमान किया। आप वही हैं जिन्होंने, आपने कहा कि राम मंदिर ये काल्पनिक है, राम सेतु के बारे में आपने कहा। जिस कांग्रेस पार्टी के आप प्रोधा बनते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने हलफनामे में कोर्ट के अंदर क्या कहा कि राम तो काल्पनिक है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी आप लगातार, अभी मैं पूछना चाहता हूं कि धार के अंदर भोजशाला को लेकर के माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि उसका सर्वे होना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह जी, आप इतने बड़े सनातनी हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हुआ, आपने क्यों विरोध किया, आपने न्यायालय पर प्रश्न खड़ा किया, तो ये साबित करता है कि आप सनातनी, घोर सनातन विरोधी हैं, लेकिन दोहरे चरित्र के हैं, आपको कोई शर्म नहीं है कि हमें अभी क्या कह रहे हैं और कल क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है, राजगढ़ की जनता ने नकारा, और इस बार आपकी जमानत जब्त करके बाइंड अप करेगी। सर, ये बीजेपी ने पूरा चुनाव आरक्षण के इर्द गिर्द और राम मंदिर के इर्द गिर्द कर दिया है, कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति ही करती है, मैनिफेस्टो में कांग्रेस क्या कर रही है, एक वर्ग को कैसे ताकत दी जाए, और पूरे आपके मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग की छाप पड़ी हुई है, उसी के आधार पर आपने अपना तुष्टिकरण से प्रेरित आपने घोषणा पत्र बनाया है। तो इसलिए देश की जनता आप जानती है, और आप जिस प्रकार से आप करने का प्रयास करें, आरक्षण की बात किसने की, कितना झूठ बोलते हैं, कोई आरक्षण समाप्त करने वाला है क्या, और आप देश के गृहमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा बोले, हमने FIR कराई है। मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए राहुल गांधी जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं और बात करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए ये कांग्रेस ही प्रयास कर रही है कि तुष्टीकरण की तरफ जाया जाए, जो उनका मूल है, फूट डालो राज करो। सर, कमलनाथ तो निकल नहीं रहे छिंदवाड़ा से, दिग्विजय सिंह राजगढ़ तक सीमित होकर रह गए, जीतू पटवारी अकेले मैदान में डटे हैं, गिनती के प्रियंका और राहुल के दौरे हुए हैं, कांग्रेस गुटबाजी में, कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि घोर निराशा है कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के प्रत्याशियों, प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये हालात कांग्रेस के बदतर हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर तो और ही ज्यादा हालात खराब है कि जीतू पटवारी एक बहन के खिलाफ किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, पागल हो गए पागल। अरे हार आपकी हो रही है तो हार को आराम से लो, उत्तेजित क्यों रहे किसी बहन के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना। मध्य प्रदेश की
जो मातृशक्ति है ये ऐसा जवाब देगी जीतू पटवारी, होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। सर कांग्रेस तो करिए 5 से 6 सीटें हम जीत रहे हैं दो चरण के वोटिंग के बाद। चार तारीख आ जाएगी जल्दी ही, पता लग जाएगा कितनी जीत रहे। सर बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है क्योंकि आपको भी मोदी जी ने कहा कि आप दुबले पतले आदमी हैं लेकिन विधानसभा के चुनाव में इतिहास रचा, क्या लोकसभा के चुनाव में इतिहास रचेंगे? लोकसभा के चुनाव में इतिहास रचेगा, 29 सीटें जीतेंगे, एक सीट बची थी वो हम जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है और देश चाहता है प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर बीजेपी भी पूरी एकजुट है, शिवराज जी को पूरे प्रदेश में सभी नहीं, शिवराज जी भी जा रहे हैं, शिवराज जी को जहाँ आवश्यक है वहाँ जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, बाकी भाजपा के हमारे सब नेता कर रहे हैं, हम तो टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। तो बीजेपी है लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि पूरी की पूरी 29 सीटें भाजपा जीतेगी। लोकमंत्री अनुराग शर्मा।